कार आज मैं ज्योतिष शास्त्र की ऐसे एक योग को लेकर आलोचना करूंगा जिस योग का नाम लगभग सभी जानते हैं और इस योग को लेकर भयभीत भी होते हैं, मांगलिक दोष। लड़की का मांगलिक दोष निकला तो उनकी पिता माता डर जाते हैं कि शादी कैसे होगी, और इसे लेकर एक कुसंस्कार भी है जो नहीं होना चाहिए। आज का आलोचना का विषय, डिस्कशन का विषय वही है। मांगलिक दोष क्या होता है? मंगल ग्रह से मांगलिक दोष बनता है। अगर लग्न द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट एंड ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल रहे तो उसे भौमदोष बोला जाता है, हिंदी में जिसे मांगलिक दोष कहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इस योग का प्रचार बहुत हो रहा है, लेकिन ये जो योग है, मांगलिक दोष कहा जाता है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स का इन्वेंशन नहीं है। पुराने शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथ में भी इनका उल्लेख है, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर जैसे कह रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर्स जैसे ये जो प्रोबायोटिक योग है, उन्नति में बाधा सृष्टि करते हैं, बहुत कोशिश के बाद भी कोई भी उन्नति नहीं आता, ऐसा कहते हैं, नौकरी में परमानेंसी नहीं आता, ये सब सही नहीं है। ये सब उन लोगों का बनाया हुआ तत्व है, इसका कोई शास्त्रीय प्रूफ नहीं है और प्रैक्टिकल के साथ मिलता भी नहीं है। हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों में से एक को तो पहले जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो अर्ली ना हो, जिसे अकाल वैधव्य कहा जाता है, अर्ली डेथ ना हो, विचार या विषय यही है। और मांगलिक दोष सिर्फ पति या पत्नी का हानि नहीं होता, सेपरेशन भी होता है डिवोर्स के रूप से। पहले जब ये शास्त्र तैयार हुआ था या लिखा गया था, उस टाइम में या उसके बाद में भी कुमारी लड़की का शादी एक बहुत ही उम्र वाले आदमी से होता था, तो वहाँ एक अकाल वैधव्य का चांस था, बहुत ही था। लेकिन आज इस टाइम में ऐसा शादी नहीं होता जो एक 12 या 14 या 15 या 16 साल का लड़की से 40 या 50 साल का कोई आदमी के साथ शादी होगा, ऐसा होता नहीं है, इसके लिए लॉ है। तो हम लोग का विचार यह विषय है कि वो ये जोक को कैसे रुका जाए या इसका कोई कुछ खंडन है या नहीं, यही आलोचना का विषय है। और मैं ये भी डिस्कशन करूँगा कि क्या ऑथेंटिक प्रूफ है, शास्त्रीय जो किताब है उसके साथ ये जोक का कनेक्शन कैसा है। तो इधर जो योग है, दो, एक मैंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, इनमें से मंगल रहने से मांगलिक दोष होता है। इधर जातक पारिजात में देखा जाता है, इधर लिखा है कि इन सब स्थान पर
मंगल का अवस्थान में पति या पत्नी का हानि होता है। जातक चंद्रिका का ये जो श्लोक है, इस श्लोक में सिर्फ लग्न से नहीं, लग्न चंद्र एंड शुक्र इन तीन स्थान से मंगल का ऐसा जैसा बताया वैसा अवस्थान से मांगलिक दोष होता है ये कहा गया है। बहुत पंडित लोग इस हिसाब से ही विचार करते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ लग्न से विचार किया जाए तो 12 भाव में से 6 भाव में मंगल का अवस्थान में मांगलिक दोष अगर हुआ तो 50% नेटिव का चार्ट में मांगलिक दोष रहेगा, और इसके साथ चंद्रमा और शुक्र दोनों आ गया, दोनों से भी काउंट किया गया तो लगभग सभी का कुंडली में रहेगा ये मांगलिक दोष। लेकिन चंद्र से विचार करने का लॉजिक है, क्योंकि चंद्र जिस राशि में रहते हैं इस राशि से हम लोग दूसरे भाव विचार में भी बहुत तरह का विचार में भी ये हिसाब करते हैं। जैसे कि शादी के विचार में लग्न से सप्तम भाव भी देखते हैं, चंद्र से सप्तम भाव भी देखते हैं, इसलिए चंद्र से काउंट करना जायज है। लेकिन शुक्र से ऐसे काउंट करना कहीं भी शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्रों में लिखा नहीं है या एडवाइस नहीं दिया। लेकिन शुक्र से और शुक्र के सप्तम भाव से शादी का विचार करने का निर्देश है। लेकिन शुक्र को लग्न पकड़कर कोई निर्देश नहीं है, इसलिए लग्न एवं राशि इन दोनों से मांगलिक दोष विचार करना जायज है। एक आश्चर्य का विषय है कि आजकल मांगलिक दोष जितना चल रहा है, गुरुत्व पा रहा है, वैसा शास्त्रीय ज्योतिष में सपोर्ट मिलता नहीं। लेकिन ये भी है कि इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन सपोर्ट सुनिश्चित नहीं है। और उस टाइम में इस जोक को बहुत सीरियसली लेते भी नहीं थे जैसा कि आजकल ले रहे हैं। ये कहना बेहतर रहेगा एस्ट्रोलॉजर लोग डरा रहे हैं। कुछ किताब में, एंशिएंट किताब में समर्थन है, कुछ किताब में कोई उल्लेख भी नहीं है। अगर ये उस टाइम में, एंशिएंट टाइम में इतना सपोर्टेड दोष होता तो उस टाइम का जो क्लासिकल टेक्स्ट है जैसे कि पराशरी होरा का पूर्व खंड, बृहद जातक, लघु जातक, सर्वार्थ चिंतामणि, फल दीपिका, चमत्कार चिंतामणि, सत्कृत्य मुक्तावली, जातक अलंकार, जातक भरणम, भाव कुतूहलम, भृगु सूत्रम, जातक देश मार्ग, जातक तत्व, ये सब क्लासिकल टेक्स्ट है। इन ग्रंथ में इस दोष को अवॉइड नहीं करते, अगर इतना समर्थन तब होता तो। कुछ टेक्स्ट में है समर्थन है, लेकिन ये सब जो ये भी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें के इस ग्रंथ में समर्थन नहीं है। लेकिन ये मांगलिक दोष में जो स्थान को चिन्हित किया गया है मैरिज लाइफ के लिए, वो सब स्थान बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। जैसे कि लग्न, वो नेटिव का कैरेक्टर विचार्य है,
उसका क्या जीवन का दिशा क्या होगा, ये भी विचार्य है उससे। सेकेंड हाउस है रिलेटिव्स, फादर इन लॉ का हाउस का जो रिलेटिव्स होता है, कुटुंब होता है, वो विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस या चतुर्थ से सुख, सेवेंथ हाउस से हस्बैंड या वाइफ, एट्थ हाउस से हस्बैंड या वाइफ का मृत्यु, और ट्वेल्थ हाउस से बेड कंफर्ट। तो ये सब स्थान में मंगल या और कोई भी पाप ग्रह अगर रहे तो वो शादी के लिए या मैरिज लाइफ के लिए अच्छा हो नहीं सकता। और ये सब जो स्थान है सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, ट्वेल्थ एंड फर्स्ट, इनमें से सेवेंथ और एट्थ को छोड़ के बाकी स्थान पर अगर मंगल रहे तो सेवेंथ या एट्थ को मंगल दृष्टि देता है, उस पर दृष्टि रहता है, या सेवेंथ पर या एट्थ पर। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड ट्वेल्थ स्थान में अगर वो अवस्थान होता है मंगल का और वो कोई बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि ना मिले उसे या जोग ना मिले तो पति या पत्नी हानिकारक हो सकता है सेवेंथ या एट्थ हाउस में। और दूसरा कोई पाप ग्रह अवस्थान भी एक ही टाइप का रिजल्ट देता है। और मॉडर्न एज का जो लोग ये भौमदोष या मांगलिक दोष का प्रचार ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के हिसाब से ये मांगलिक दोष का खंडन नहीं हो सकता है। लेकिन जातक अलंकार ग्रंथ में लिखा है लग्न या चंद्र से सप्तम भाव का मालिक अगर सप्तम में या सप्तम में अगर शुभ ग्रह रहे तो वैधव्य का जो जोग बनता है उसका भंग होता है। तो मांगलिक दोष के लिए भी ये सूत्र काम आते हैं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पराशरी होरा का उत्तरखंड खंड में स्त्री जातक अध्याय में कहा गया है कि शुभ ग्रह मतलब बेनिफिक प्लैनेट द्वारा मंगल उस सब स्थान में अगर दृष्ट ना होकर बैठ जाए, कोई भी शुभ ग्रह का दृष्टि ना पाकर अगर बैठ जाए उस स्थान में, जो स्थान में मांगलिक दोष होता है, तो पति या पत्नी का नाश होता है। लेकिन उस ग्रंथ में ही लिखा है कि शुभ ग्रह मतलब बेनिफिक प्लैनेट का जोग या दृष्टि में वो दोष का नाश होता है। तो ये सिद्धांत लेना कोई गलत नहीं होगा कि शुभ ग्रह का जोग या दृष्टि से या सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में हो या सप्तम में अगर शुभ ग्रह का अवस्थान हो तो मांगलिक दोष खंडन हो सकता है। मिनिमम प्रीमैच्योर डेथ नहीं होगा। और भावार्थ रत्नाकर में जिस श्लोक को इस दोष का के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, उस श्लोक में भी कहा गया है कि सेकेंड हाउस में अगर जुपिटर रहे, गुरु रहे, तो नेटिव का सेकेंड मैरिज लेट होता है। तो सेकेंड मैरिज लेट होता है मतलब फर्स्ट मैरिज अगर टूटेगा तो सेकेंड मैरिज होगा। तो इसको भी हम ले सकते हैं।
मांगलिक दोष का खंडन के लिए। इसका मतलब ये निकला कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ या द्वादश में अगर मंगल हो और सेकेंड हाउस में जुपिटर हो तो मांगलिक दोष का खंडन होता है। बृहद जातक या उस टाइप का जो ग्रंथ है उसमें भी एट्थ हाउस में मैलिक भी प्लैनेट होने से जो वैधव्य योग या पत्नी हानि योग बनता है, पति पत्नी हानि योग बनता है, उसका खंडन होता है सेकेंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट रहने से, ये कहा गया है। तो हम लोग ये भी जोर से बोल सकते हैं कि सेकेंड हाउस में अगर शुभ प्लैनेट गुरु या शुक्र हो तो मांगलिक दोष का खंडन ना होने का कोई भी कारण नहीं है। और भी कुछ कुछ श्लोक है विभिन्न ज्योतिष ग्रंथ में जिनका प्रचार नहीं है एट प्रेजेंट टाइम। उनमें से एक श्लोक है जहां कहा गया है कि दोनों के चार्ट में या कुंडली में मंगल का अवस्थान अगर एक ही हो, अर्थात लग्न द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में हो तो शादी दे सकते हैं। मतलब दोनों का ही मांगलिक दोष हो तो शादी दे सकते हैं। और भी कहा गया है कि अगर मंगल तुंगांशगत अपना स्वगृह में हो, मूल त्रिकोण में हो तो ये दोष खंडन हो सकता है। लेकिन और भी एक है, जातक या जातिका के लिए मंगल अगर बेनिफिक प्लैनेट हो, जैसे कि कर्कट, सिंह, मीन, धनु या मेष लग्न, इन सब लग्नों में मंगल बेनिफिक प्लैनेट है। अगर ऐसा हो, इन लग्नों का जातक या जातिका, कन्या या लड़का, अगर ये सब लग्न है और वो मंगल कुंडली, जन्म कुंडली में एंड नवांश कुंडली में तुंग स्थानस्थ हो तो मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। मतलब क्या निकला रिजल्ट, अगर कर्कट, सिंह, मीन, मेष लग्न हो किसी का भी और उसका मांगलिक दोष हो और वो मंगल जन्म कुंडली में भी स्ट्रांग तुंग प्राप्त और नवांश कुंडली में भी स्ट्रांग तुंग प्राप्त, तो ये दोष कट जाएगा, मतलब कार्यकर नहीं होगा। यानी कि दोनों का कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो तो शादी दे सकते हैं। दो कुंडली में मंगल का अवस्थान एक ही राशि में हो, मतलब दोनों का ही सेकेंड हाउस में या दोनों का ही सेवेंथ हाउस में हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे कि इन स्थानों में से सेवेंथ और एट्थ हाउस, इन दोनों हाउस में मंगल सबसे पीड़ादायक है, तो अगर एक का सेवेंथ हाउस में हो तो दूसरे का सेवेंथ या एट्थ हाउस में हो वो सबसे अच्छा होगा। यहाँ कहा गया है कि एक ही हाउस में रहने का आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखा गया है कि सेवेंथ और एट्थ हाउस, ये दोनों हाउस मांगलिक दोष के लिए सबसे भयंकर है। पति पत्नी हानि भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। एट्थ हाउस में हानि होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे अगर किसी का रहे कि सेवेंथ हाउस में मार्स है या अष्टम या एट्थ हाउस में मार्स है, सेवेंथ या एट्थ हाउस में अगर किसी का मार्स है तो दूसरे का भी सेवेंथ या एट्थ हाउस में होना बेहतर रहेगा।
और भी कुछ श्लोक है जहाँ कहा गया है कि एक का कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो और दूसरे का कुंडली में उस टाइप का कोई पाप ग्रह का अवस्थान हो, मतलब शनि या राहु का अवस्थान हो, तो ये दोष का खंडन होता है। अब कहा प्रश्न यह आता है कि कन्या की कुंडली में अगर फोर्थ था उसमें मार्स रहे, मंगल रहे, तो उसका हस्बैंड के कुंडली में भी फोर्थ हाउस में ही रहना पड़ेगा शनि या राहु? तो इसमें एक हिसाब है कि फोर्थ हाउस से मंगल सेवेंथ हाउस में दृष्टि देता है, इसलिए मांगलिक दोष का प्रकोप बढ़ता है। लेकिन अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में रहा है दूसरे के, तो उसका दृष्टि सेवेंथ हाउस में नहीं आ रहा है, तो ये सोचना बेहतर होगा कि एक का कष्टी का मांगलिक दोष दूसरे का कष्टी का सेवेंथ एंड एइथ हाउस का मैलिकिक प्लैनेट अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकता है मांगलिक दोष, मेनली शनि या राहु, क्योंकि शनि या राहु का चतुर्थ स्थान पर दृष्टि नहीं है, चतुर्थ स्थान पर रहकर सब सेवेंथ हाउस पे दृष्टि नहीं दे सकते, तो यही ज़्यादा जस्टिफाइड है, हम लोगों को लगता है कि एक का भौम दोष मतलब मांगलिक दोष दूसरे का कंट्रोल करने के लिए, दूसरे का जो पाप ग्रह होगा वो सेवेंथ या एइथ हाउस में हो, इससे अच्छे तरह से कंट्रोल हो जाता है। और भी श्लोक है जिसे कहा जाता है कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश में शनि या राहु के अवस्थान से भौमदश या मांगलिक दोष भंग होता है। ये क्या इसको क्लियर करते हैं, जिसका जो चार्ट में या कुंडली में मांगलिक दोष है उसी का अगर उस स्थान में, मतलब जिस स्थान में मंगल रहने से मांगलिक दोष होता है, वही स्थान में कहीं भी शनि या राहु हो तो मांगलिक दोष भंग होता है। अगर इसे अगर मान ले तो शास्त्रीय ज्योतिष का जो सूत्र है, जो नियम है, रूल है, उसे अग्राह्य करना पड़ेगा, मतलब उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कुंडली में मांगलिक दोष और उसके साथ वही कुंडली में वही अवस्थान में अगर मैलिफिक प्लैनेट हो तो नेगेटिव इफेक्ट्स बढ़ जाता है। एज एन एग्जांपल, किसी का सप्तम में मंगल है और अष्टम में राहु है, इस केस में मांगलिक दोष का खंडन नहीं होगा, ये नेगेटिव इफेक्ट बढ़ा देगा। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा गया है, इसे दिमाग में ठीक से रख कर विचार करना पड़ेगा। बंगाल का बहुत ही फेमस पंडित ज्योतिष नारायण चंद्र भट्टाचार्य, उनका ग्रंथ होरा विज्ञान रहस्यम में चतुर्थ कांड की स्त्री जातक अध्याय में दो श्लोक दिया है, जैसे कि लड़का का लग्न का सप्तम में शनि, नारी का लग्न या द्वादश का मंगल का दोष खंडन कर सकता है। एक का फोर्थ हाउस का शनि, दूसरे का फोर्थ हाउस का मंगल का दोष खंडन कर सकता है।
एक का 8th हाउस में शनि, दूसरे का 7th हाउस का मंगल का दोष खंडन कर सकता है। एक का 12th हाउस का शनि, दूसरे का 8th हाउस का मंगल का दोष खंडन कर सकता है। और एक श्लोक में कहा गया है कि पुरुष मतलब लड़का का लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश स्थान में राहु या शनि अगर रहे तो लड़की का मांगलिक दोष नष्ट होता है। तो इस जो श्लोक का जो अर्थ निकला है, इसमें जो पहले इस थोड़े पहले आलोचना हुआ है जे एक का दोष दूसरे का पाप ग्रह से खंडन होता है सिर्फ 8th या 7th में, वही ठीक जजमेंट होगा। जैसे कि बताया कि 4th हाउस में शनि होने से वो 7th हाउस में कोई इफेक्ट नहीं लाता, मंगल जैसे 4th हाउस में होते हुए भी 7th हाउस में दृष्टि देता है, लेकिन शनि या राहु 4th हाउस में, अगर एक का 4th हाउस में मंगल दूसरे का 4th हाउस में राहु या शनि, तो दूसरे का राहु या शनि 4th हाउस से 7th हाउस में कोई इफेक्ट नहीं दे सकता। इसलिए जो पहले आलोचना हुआ था कुछ देर पहले जो बोला वही सही होगा कि एक का मांगलिक दोष दूसरे का 7th है या 8th हाउस में शनि या राहु से खंडन होता है। और कालिदास का जातक चंद्रिका में मांगलिक दोष का भंग का कुछ जोग है। कहा गया है कि लग्न से 4th या 7th हाउस अगर मेष कर्कट वृश्चिक या मकर राशि हो तो 4th या 7th का मंगल, 7th का मंगल का अवस्थान दोषकारक होता नहीं है। और भी कहा गया है कि चर रसी में मंगल का अवस्थान से मांगलिक दोष होता नहीं है। और एक कहा गया है कि बुध या गुरु युक्त होता है जब मंगल या दृष्ट होता है तब मंगल दोषकारक नहीं होता है। साउथ इंडिया का फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बीबी रमन का मूर्त ग्रंथ में इस मांगलिक दोष का कुछ भंग दोष है। उन्होंने कहा है मिथुन एंड कन्या राशि का 2nd हाउस, वृष या तुला राशि का 12th हाउस, मेष या वृश्चिक राशि का 4th हाउस, कर्कट या मकर राशि का 7th हाउस एंड धनु या मीन राशि 8th हाउस अगर हो तो उस स्थान में मंगल का अवस्थान हेतु मांगलिक दोष नहीं होगा। और भी कहा है कि कुंभ या सिंह राशि में मंगल का अवस्थान से मांगलिक दोष नहीं होता। और भी कहा है गुरु या चंद्र के सहित अगर मंगल युक्त हो तो दोषकारक नहीं होता। लग्न में गुरु या शुक्र का अवस्थान में यह मांगलिक दोष भंग होता है। लेकिन ये सब जो भंग दोष है ये सब ऑथेंटिक है या नहीं ये तो परीक्षा करना है अभी भी। तब ये जो इतना सारे भंग दोष है इसमें से यही सिद्धांत किया जाता है कि एंशियंट जो आचार्य था उन लोगों ने ये दोष को अप्रतिरद्ध मतलब खंडन हो नहीं सकता ऐसा समझा नहीं। ये यहाँ जो कहा है कि लग्न में गुरु या बृहस्पति या शुक्र का अवस्थान हेतु मांगलिक दोष भंग होता है, इनमें से एक बोलो, मेरा एक क्लाइंट है
उनका मीन लग्न है। सेवेंथ हाउस में गुरु और बुध, मतलब लग्नपति एंड सप्तमपति एक साथ है सेवेंथ हाउस में। कोई नेगेटिव या मैलिफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। उनका राशि है वृष, सेवेंथ हाउस में मंगल, तो राशि से मंगलिक हुआ। इधर वृश्चिक मेष, मेष और वृश्चिक मंगल का निज राशि है, तो राशि से मंगल सप्तम हाउस में है, निज राशि में है, और लग्न से सप्तम में गुरु है। इस सिचुएशन में उनका हस्बैंड का डेथ हुआ था शादी से लगभग 5-6 साल बाद, 5-6 साल बाद उनका हस्बैंड का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। ये तो दशा मुझे ठीक याद नहीं है, राहु का कोई जोग नहीं था, लेकिन मंगल का दशा था या अंतर दशा था ठीक से याद नहीं। तो लेकिन ये तो सियोर है कि ये मांगलिक दोष का प्रभाव ही है उनका, जो हस्बैंड का डेथ हुआ। ठीक है, फिर और एक प्रश्न आते हैं कि जिसका जिस कन्या मांगलिक दोष है और उसका खंडन का कोई जोग नहीं है, एंड उसके जिसके साथ उसका शादी होने वाला है उसका कोई भी मांगलिक दोष नहीं है, तो शादी नहीं दिया जा सकता? इसका उत्तर भी है हमारे प्राचीन शास्त्र में। शास्त्र अनुजाई बहुत तरह का क्रिया है, जैसे कि पिपली व्रत, सावित्री व्रत, पिपली वृक्ष, तुलसी वृक्ष, या प्रतिष्ठित घट का साथ विवाह देकर सबसे अच्छा होता है मंगल का ग्रह यज्ञ करके। मंगल का ग्रह यज्ञ करने के लिए मंगल का अधिष्ठात्री देवी जो है बगलामुखी, उसका भी ग्रह यज्ञ करते हैं, करना पड़ता है देकर। उसके साथ अगर रुद्राभिषेक भी किया जाए वो अच्छा रहता है। ऐसा करके अगर दीर्घायु योग में जन्म ऐसा कोई लड़के से उस कन्या का विवाह हो तो कुछ नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ऐसे मांगलिक दोष है लेकिन उसका हस्बैंड का नहीं है। इस टाइप का जो पूजा है, यज्ञ है, इसका होमन तमन सब कुछ करके दिया है, 8-10 साल हो गया शादी, ऐसा बहुत एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उन लोगों का सेवेंथ या एट्थ हाउस में मंगल नहीं था, ये भी कह देता हूँ। तो सेवेंथ या एट्थ हाउस का मंगल को समझकर चलना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है आप सबको, या मेरा एक्सपीरियंस भी है। लग्न सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ट्वेल्थ, ये सब ठीक है, लेकिन सेवेंथ या एट्थ का अगर मंगल हो तो उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेकिन ये तो श्योर है कि प्रेजेंट टाइम जैसे सब लोग डरा रहे हैं इस दोष को लेकर, इतना डरने की बात नहीं है। इसका खंडन भी हो सकता है चार्ट मिलाकर, या ऐसे कोई व्रत रखकर और पूजा देकर, यज्ञ करकर। तो इस दोष को लेकर ज़्यादा डरने का कोई बात नहीं है। स्वामी मतलब पति या पत्नी का हानि के लिए सिर्फ मंगल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर योग बना तो रवि, शनि और राहु भी हानि करा सकते हैं। जैसे कि सब हानि जिसका भी ऐसा कुछ घटा है, जो भुगत चुका है ऐसा दोष का फल, सबका मांगलिक दोष हो है ऐसा भी नहीं है। और एक बात है, ये कहा जाता है कि गुरु दो बार
जन्म के बाद जी नेटिव का जन्म के बाद दो बार अगर राशि चक्र परिभ्रमण कर लिया या राहु मार लिया तो मांगलिक दोष का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लड़की का उम्र मिनिमम 24 इयर्स पूर्ण हो जाए उसके बाद शादी देना, सब कुछ करके मिला के या पूजा देकर सब कुछ करके, लेकिन 24 इयर्स कंप्लीट हो जाए। 24 इयर्स कंप्लीट होने का मतलब है कि गुरु का दो बार परिभ्रमण हो जाएगा राशि चक्र। और इसके साथ जो जरूरी है वो है ज्योतिषी का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको यही मैंने निवेदन है कि मांगलिक दोष को लेकर इतना ज़्यादा डरिए मत, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा ये लिखिएगा ज़रूर कमेंट में। और अभी तक जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तरह का टॉपिक में लेकर मैं डिस्कस करूँगा, बंगला हिंदी दोनों में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।